एज यूजुअल किचन में ही हूँ, लेकिन अभी कुछ कुकिंग नहीं कर रही, बस ये वाटरमेलन कट कर रही हूँ। तो आज एक्चुअली ना मैंने सोचा था कि मैं कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगी, नॉट रिलेटेड टू रेसिपी, नॉट रिलेटेड टू किचन। तो जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, पर आज एक और चीज़ है, आज मदर्स डे। तो भाई मिहिका ने ना एक सरप्राइज दिया, सीरियसली, मतलब मेरे दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड करी है उसकी सरप्राइज गिफ्ट वाली, और यहाँ पे मैं एक्चुअली बता रही हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि मैं रोज वॉक करने जाती हूँ नीचे, तो शाम को कभी सुबह, सुबह तो चलो वो उठते नहीं है, पर शाम को तो वो करती रहती है अपना कुछ क्राफ्ट वगैरह। तो शाम को वो अपना क्राफ्ट करती है, तो मैं, मुझे लगता है अपना खुद का क्राफ्ट कुछ कुछ कर रही होगी, पर उसने ना मेरे लिए कुछ बनाया आज के लिए सरप्राइज टाइप का। मुझे पता भी, और मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि आज मदर्स डे, सीरियसली कहाँ याद रहता है कि आज मदर्स डे, आज फादर्स डे, जब तक लोगों के स्टेटस नहीं देख लो, जब तक ये सब ना देख लो। इनफैक्ट अपनी मम्मी को भी अभी तक मैंने मतलब सुबह बहुत देर बात किया, ये देखो मम्मी का आ गई, इसने क्या क्या बनाया था मैं बताती हूँ। देखो ये अजीब लग रहा है, सही रहो, ये बहुत ही सुंदर बनाया इसने, और ये करती रहती है क्राफ्ट, मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ क्राफ्ट में लगी रहती है। पर्ल्स है इसने, बटरफ्लाई बनाई है, हाँ। नीचे ये जो यूज़ और अंदर है। सब कुछ लविंग मैटर्स लिख रहा था, ये तो हार्ट बना दिया उसपे, तो ये ऐसा हो गया कि बटरफ्लाई का एंटीनाज हो गए, ठीक है। और ये बहुत सुंदर बनाया इसने, अच्छा लगा मुझे, अभी दो और बनाऊंगी, और पीछे पीछे आई लव यू मॉम और ये सब। और ऐसा नहीं कि ये सब मतलब छोटी बच्ची है, बहुत ही प्यारे तरीके से मतलब शो करती है लव, और मैं कभी कभी डांट भी देती हूँ उसको, कभी कभी नहीं, मैं तो रोज ही डांटती हूँ, डांट तो खानी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी ना बच्चे डांट खाए बिना बड़े थोड़ी ना होते। तो मोबाइल कोई बच्चा मांगेगा तो क्या हम दिन भर मोबाइल दे देंगे उसके हाथ में? नहीं ना, थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चों को मोबाइल चलाना भी आना चाहिए। और फिर चलो ये तो दूसरी बात होगी, और ये दूसरा गिफ्ट, और अभी तो और बनाएगी, वो बनाती रहती है, सिर्फ मदर्स डे पे ही नहीं, ऐसे भी बनाती रहती है। और ये बहुत क्रिएटिव है, मतलब इसको ऐसे फुल करो और फिर ये खिंचता है और फिर ये कार्ड है अंदर, सब कुछ लव हार्ट हैप्पी मदर्स डे आई लव यू मॉम और ये सब। और अब मैं अपने बच्चे के लिए जरा ना वाटरमेलन कट कर लेती हूँ, और एक्चुअली मदर्स डे तो हर दिन ही होना चाहिए, एक दिन क्या मदर्स डे होना चाहिए, कि सबकी माएँ दिन भर किचन में ही लगी रहती हैं, मैं भी इसके लिए दिन भर किचन में ही लगी रहती हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रही मैं, लगी रहती हूँ। हमारी मम्मी भी, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे ना, मतलब दिन भर हमारे में ही लगी रहती थी, हम तो चार चार बच्चे थे बेचारी, क्या क्या करती थी, सिर्फ मदर ही नहीं फादर भी करते हैं, ठीक है। तो वो फादर्स डे पे भी हम बात करेंगे इस बारे में, बट आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, हम लोग कभी ऐसे मतलब शो नहीं करते थे, आजकल के बच्चे करते हैं, और एक्चुअली करना भी चाहिए, तो उससे बॉन्डिंग भी और अच्छी स्ट्रांग होती है पेरेंट्स के बीच में। और ऐसा भी है कि मीका को एकदम ही बिल्कुल माँ ही नहीं बननी रहती, मैं उसकी उससे सारी चीज़ें एकदम खुल के भी मैं डिस्कस करती हूँ, अभी तो छोटी है वो, लेकिन जब बड़ी होगी तब भी करूँगी, ऐसा नहीं कि डांट के डर से बच्चा आपको कुछ बता रहे ना, वो भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उससे बिल्कुल फ्रेंडली भी बात करती हूँ, और माँ की तरह तो डांट तो पड़ती ही है उसकी, और दिन में कम से कम 10 बार तो वो डांट खाती ही है मेरी, वो जब तक खा नहीं लेगी उसको थोड़ी ना खाना हजम होगा, क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो खाना ही नहीं खाती है, उसको कैसे कैसे करके खाना खिलाना पड़ता है। तो हो गई आज की ये छोटी सी डिस्कशन मदर्स डे पे, एक्चुअली वीडियो कुछ और बनने वाली थी, वीडियो कुछ और बन गई, आज के लिए इतना ही, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लविंग मॉम्स आउट देयर। तो अब इसी के साथ ये वीडियो तो मैं यही खत्म करती हूँ, एंड करती हूँ, हम जाते हैं वाटरमेलन खा लेते हैं। आई होप आप सबको वीडियोज मेरी अच्छी लग रही हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट भी एक बार चेक किया कीजिए, प्लेलिस्ट में भी मैं वीडियोज डालती रहती हूँ, क्योंकि प्लेलिस्ट से ऐसे होता है आपको फायदा होगा, आपको बार बार वीडियो पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार में सारी वीडियोस देख सकते हो। और मेरा दूसरा चैनल भी है मीका एंड मम्मा, तो मीका एंड मम्मा पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं। आज जो मदर्स डे की मीका ने ये सब बनाया ना मेरे लिए, वो वहाँ पे भी एक अलग पर्सपेक्टिव से मैंने वीडियो शो की है, तो वहाँ भी आप देखना, आपको मजा आएगा देखने में। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी से सब्सक्राइब, अब ये तो मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो मैं ये बोले बिना तो मेरा काम ही नहीं चलने वाला है, तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो, लाइक बटन को जरूर हिट करना, भूलना ही नहीं उसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।